तो लीजिए, ये देख सकते हैं आप अंदर से कितना सॉफ्ट और टेंडर चिकन है और बाहर से उतना ही क्रिस्पी कोटिंग। तो पब्लिक डिमांड पर आज हम देखने वाले हैं सोनू चाइनीज सेंटर के चिकन 65 की रेसिपी, जो कि स्थित है कोल्हापुर में बसंत विश्वास पार्क देवकर पानन में ये स्टॉल है। तो चलिए चलते इनके ऑनर से मिलते हैं, जो कि है सोनू जी। बहुत ही अच्छा चिकन 65 बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेस्ट चिकन 65 की रेसिपी आज हम देखने वाले हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिया है 6 किलो चिकन, अच्छी तरीके से धो के साफ करके इन्होंने लिया है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बोनलेस चिकन होना चाहिए, और ये थाई या फिर ब्रेस्ट का ही पार्ट आप इसमें यूज़ करें। आप देखिए, सबसे पहले इन्होंने डाली है कसूरी मेथी, जो कि डाली है 10 ग्राम। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये बादशाह कंपनी का मटन मसाला इन्होंने लिया है, आप चाहे तो चिकन मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये भी 20 ग्राम हमको डालना है। अब इसके बाद में इन्होंने डाला है गरम मसाला, तो ये एवरेस्ट कंपनी का है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, जो ये भाई साहब डाल रहे हैं वही बता रही हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने 20 ग्राम ये मसाला डाला है। इसके बाद में धनिया डालना है, धनिया का बिल्कुल पेस्ट या फिर इसे दरदरा कूटना नहीं है, बस दो पार्ट में सिंपली तोड़ना है, इसे डालना है, जो कि 10 ग्राम इन्होंने डाला है। अब यहाँ पर डाला है इन्होंने लहसुन का पेस्ट, तो देखिए मुट्ठी भर कर इन्होंने लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इसके बाद में डालना है हरी मिर्ची का पेस्ट, आप देख सकते हैं 3 मुट्ठी भरकर इन्होंने हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है। आप चाहे तो आपको कितना तीखा पसंद है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। और लास्ट में डाला है अदरक का पेस्ट, अदरक। तो तीनों चीजें आप ध्यान रखिए, लहसुन, अदरक और मिर्ची। और उसके बाद में डाला है 4 पैकेट चिकन 65 का मसाला, आपको किसी भी लोकल स्टोर में ये मिल जाएगा। अब इसके बाद में 13 अंडे इन्होंने फोड़ के डाले हैं, एक के बाद एक। आप देख सकते हैं कितना हाइजीनिकली प्रिपेयर किया जाता है, मैंने खुद से देखा है, बहुत ही साफ क्लीन एरिया है, साथ में ग्लोव्स डाल के ही ये बनाते हैं। तो आप कोल्हापुर कभी भी आए तो ज़रूर विजिट कीजिए। साथ में इन्होंने डाला है नमक, नमक स्वाद अनुसार डालना है। अब ये भाई साहब तो रोज़ बनाते हैं, तो इनके हाथ में बैठ गया है मेजरमेंट, तो आप चेक करके ही डालें आप अगर आप घर पे बना रहे हैं तो। अब यहाँ पर डालनी है चीनी, बहुत कम अमाउंट में डालनी है, और साथ में डालना है सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस, और फाइनली हम डालेंगे टमाटो सॉस। अब यहाँ पर डाला है थोड़ा सा फूड कलर, आप चाहे तो लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने हरी मिर्ची का पेस्ट भर भर कर डाला है, नहीं तो दूसरे दिन आपको आफत हो सकती है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, देखिए। तो देखिए, अच्छी तरीके से मिक्सिंग का प्रोसेस खत्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, जिसे हम कॉर्नफ्लोर बोलते हैं। तो देखिए, इसका कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, अंदाज ले लेकर जितना बैठता है उसके हिसाब से डालते जाना है। तो यहाँ पर मैदे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ कॉर्नफ्लावर ही इसमें डाला जाता है। तो आप ओरिजिनली 65 की रेसिपी देखेंगे, उसमें भी मैदा नहीं डाला जाता। तो वैसे ये रोज़ बनाते हैं, तो इनके हाथ में ये बैठ चुका है, लेकिन आप अंदाज ले लेके डालते जाइए, जितना बैठता है उतना ही डालिए, धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप आपको डालना है, एकदम से नहीं डालना। तो देखिए, हो चुका है अब ये बैटर हमारा रेडी। अब लास्ट में डालेंगे कड़ी पत्ता, जो कि कट करके डालना है, इसके बगैर तो 65 बन ही नहीं सकता। और लास्ट में बहुत सारा धनिया, तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली जो चिकन 65 का परफेक्ट बैटर है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब दूसरी साइड यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रखा है, तेल जो है हाई फ्लेम पे गरम होना चाहिए, और एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। तेल का टेम्परेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी प्रकार की भजिया बना रहे हैं उसमें हाई टेम्परेचर ही आपको रखना है, मीडियम टू हाई।
और 15 से 20 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से पकाना है। अगर आप इसे डालते ही तुरंत ही निकालेंगे तो ये रबर की तरह ये जो चिकन है वैसा वो बन जाएगा, इसलिए अच्छी तरीके से 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई करिए। तो देखिए रेडी हो चुका है। अब इसे सजाएंगे थोड़ा सा प्याज, धनिया और चाट मसाले के साथ में। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छी लगती है खाने में। लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय बाय।